नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। भगवान राम धनुष महोत्सव हुआ, प्रभु ने धनुष तोड़ा, वरमाला सीता ने पहनाई, लक्ष्मण जी परशुराम जी का भी थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन अब सब सुखमय। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अबध लिख कर सब संदेश। तब जनक जी ने, प्रभु राम के ससुर साहब ने अपने दूत अयोध्या को भेजे कि जाओ महाराज दशरथ को खबर करो कि अब वो बारात लेकर के आए। दूत पहुंचे, खबर दी तो प्रेम मगन दशरथ भये गुरु वशिष्ठ के पास। प्रेम मगन दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, ओ बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, वो बोले प्रभु अब सब पूरा हो गया, आशा पूरी हो गई। क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जगाई है, रवि कुल की ज्योति जगाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीत करने चलिए। गुरुवर सीतावर वर्णी से रघुवर वर को वरने चलिए। वशिष्ठ जी से कहा कि नाथ बरात लेके चलें गुरुदेव, तो जानकी जी को ब्याह करके लाएं। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। उसी समय भरत जी आ गए और भरत जी एकदम से पूछ बैठे कि आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहां से आई है, पत्रिका कहां से आई है। भूला न समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो ये हैं भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। भरत जी आए और वहीं पिताजी के सामने बोले कि पिताजी हमने सुना है पूरे कौशलपुर में, पूरी अयोध्या में यहाँ बहुत उत्सव और बधाइयाँ हो रही हैं, और हमें लगता है कि ऐसा सुना हमने कि बड़े भैया ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है। यदि सच्चे हैं वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, तो सचमुच समय हर्ष का है। पर भाई तो आए न अभी, कब आएंगे क्या लिखा है।
दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। दशरथ जी बोले कि बेटा बड़े भैया को, तुम्हारे बड़े भैया को राम को और लक्ष्मण को दशरथ जी ने प्रेम की डोर में बांध लिया है वहां, इसलिए आने का कुछ नहीं लिखा, उनने तो बुलाया है। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई वह है आने में, कठिनाई है अब आने में। वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में, इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। बंधन बेतोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। बोले भैया बेटा ऐसा है भरत कि वो बंधन में बंध गए हैं, उसी बंदी खाने में बंद हैं, तो अब ऐसा है कि वो बंधन तो तोड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें बंधा ही हुआ ले आए। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्यों सजवाइए बारात, कि जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सहलाद, रामा उठे नृपति सहलाद। पहुंच गया क्षण मात्र में घर घर ये संवाद, कि जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सहलाद, रामा उठे नृपति सहलाद। पहुंच गया क्षण मात्र में घर घर ये संवाद, मिथिला को साजे सभी सजकर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। बरात सजने लगी, इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। जैसे ही सवेरा हुआ और बारात चल दी जनकपुर के लिए, और कैसी चली कि सुन बारात का आगमन, तैयार हो रही है बारात। तो यहां अयोध्या में क्या हुआ कि बना दिए थे जनक ने बीच बीच बरबास, बारात के चलने के लिए अयोध्या से लेकर के जनकपुरी तक जितने रास्ता जितना पड़ता था उस बीच बीच में निवास बनाए थे कि यहां रुकेंगे यहां रुकेंगे यहां रुकेंगे, रुक करके खाएंगे पिएंगे फिर जाएंगे। तो बना दिए थे जनक ने बीच बीच बरबास, जाती थी करती हुई वही बारात निकास। हुआ पहुंचने का जब ही मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा परमार्जित परम सुसज्जित है, परमार्जित परम सुसज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है, जब पहुंच गई बारात जनवासा दिया ऐसा सुंदर सुपास जनवासा
कि सुरपुर की शोभा भी लज्जित हो जाए वहां देखकर। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवन पति हेतु इकट्ठी थी, या जगदम्बा की सब विभूत आतिथ्य कार्य को प्रगटी थी। सुन बरात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, रामा उमगे दोनों भ्रात, गाधी तनय ने जान ली मन से मन की बात। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं, रवि भौम बृहस्पत को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो तुम, अपनी संपत्ति संभालो तुम, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सब भांति अभी पर खा लो तुम। विश्वामित्र जी बोले महाराज दशरथ से, बोले एक काम करो राजा दशरथ कि ये तुम्हारी संपत्ति है, ये दो लड़के मैं मांग के लाया था तुमसे, ये दोनों लड़के वापस लो अपने। दशरथ जी बोले महाराज, तब कहा अवधपति ने हंसकर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक ना ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। दशरथ जी बोले नहीं गुरुवर, ऐसे नहीं लेंगे हम ये संपत्ति, आप अभी रखो, पहले ब्याज लाओ। और ब्याज में क्या चाहिए था महारानी सीता को, तो बोले पहले ब्याज लाओ तब हम लेंगे, नहीं तो ये संपत्ति हमें नहीं चाहिए, लिए रहो। देखिए कितनी बढ़िया मजाक है। कहते हैं कौशल की राजसभा में ही ये निपटेगा लेना देना, ये निपटेगा लेना देना, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस भगवान वहीं छोड़ देना। भगवान यहां नहीं निपटेगा ये, अगर गुरुवर आपको निपटाना है ये लेना देना तो वहीं चलिए अयोध्या की सभा में, जहां से लाए थे आप उसी दरबार में ब्याज सहित वापस करिए, तो वापस ले लूंगा अपनी संपत्ति, नहीं तो आप लिए रहिए। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, दुज बोले अब नेंग हो तो फिर चढ़े बारात। बोले पहले नेंग हो जाए तो बारात चढ़ जाए। विधि पूर्वक होने लगी जब ही खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर के गीत। बा कहते हैं कि चढ़ने का बारात के ज्यों ही हुआ विधान, तो बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। विधि शिवादि आए सभी जान समय अनुकूल, रामा जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में, घिर घिर उमड़े बाजारों में,
चपलासी अवला आज रही छज्जों छतों चौबारों में। बारात जब चढ़ने के लिए चली तो बाजारों में छतों के ऊपर छज्जों के ऊपर अविलाएं महिलाएं खड़ी हैं, देखती हैं, बिल्कुल भीड़ सी लग गई बारात के साथ। सभी पुरवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे, नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। जबरदस्ती जो नजरें भेंटे होती हैं वो जबरदस्ती देते हैं, दशरथ जी लेना भी नहीं चाहते लेकिन वो जबरदस्ती बारात रोक करके भेंटे देते। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहागने सुंदर मंगल गीत। दरवाजे पर बारात आ गई और मंगल गान होने लगे। अब क्या हुआ कि द्वारे पर जब हो चुका परछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार मंडप के नीचे पहुंच गए। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाली अयोध्या के, थक गए नृपाली अयोध्या के। सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। इतने सत्कार, ऐसी मंडप की रचना देख देख करके अयोध्या के राजा देखें कि भाई वाह। बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था आदर में मोल ले लिया है। वाह, विश्वामित्र वशिष्ठ को पुन पुन ना कर माथ, मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। पूरी बारात से एक एक करके राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमा एन, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। समधि समधि का मिलन देख उपमा की देवी थकती है, उपमा की देवी थकती है। बस एक एक था उत्तर में लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत्राता है। एक घर में जगदम्बा ने जन्म लिया, एक घर में प्रभु रघुनंदन राम भगवान ने अवतार लिया पारब्रह्म परमेश्वर ने। जब दोनों घर में ये जन्म लेंगे तो फिर वर्णन क्या किया जा सकता उसका। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत्राता है। उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लगन का जान कर जब सब गए विराज रामा, जब सब गए विराज दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज।
शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सन्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियां हैं, झिलमिला उठी सब मणियां हैं। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया ध्वजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पदम पखारे रघुवर के, पद पदम पखारे रघुवर के। हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। महाराज जनक, महारानी सुनैना, राजा रानी दोनों ने प्रभु के चरण पखारे, भगवान राम के और दोनों के पखारे। माँ सीता भी वहीं ब्राजी हैं बगल में, तो उनके भी चरण पखारे। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़ भागी अपना, पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। पहले जब जी भर जाएगा तब चरण छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को, जो आते अपने होने को। प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले चरण रज धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। राघवेंद्र सरकार और जनक नंदिनी दोनों के चरण धो करके अपने आप को संपत्तिवान मानते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हुआ तभी पाणि ग्रहण, भांवर पाणि ग्रहण जिसे कहते हैं, हुआ तभी पाणि ग्रहण शाखो चार बखान, रामा शाखो चार बखान। अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान, रानी वो समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। ओ सोचा जो अब तक अपनी थी अब वो हो गई पराई है। सोचने लगी, राजा ने सोचा तप क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है, ये कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वो हो जाती है।
को ही सर्वस्व समझ। बहुत बड़ी बात की जनक जी ने, जिनका नाम विदेह था, स्वयं विदेह थे, उन्हें बिल्कुल देह की याद ही नहीं रहती थी, या यूं कह लीजिए उनके देह थी ही नहीं, नाम विदेह था। वो भी कहते हैं कि बा कन्या ये बताती है कि तप क्या होता है। अगर किसी की एक कन्या हो तो वो बताएगी कि तप क्या होता है। कब बताएगी? जब कन्यादान किया जाए। जिसका हाथ पकड़ा दो उसी के साथ बकरी की तरह चली जाती है, कोई मना भी नहीं करती है। और ये बात उस समय भी कही गई थी जब कर्ण ऋषि शकुंतला को विदा कर रहे थे, तो वो तो महात्मा थे, तो उन्होंने भी कहा था कि जब मैं ब्रह्मचारी होकर के, महात्मा होकर के शकुंतला की विदा में इतना रो रहा हूं, तो ये जो दंपतिवान होते हैं, जो गृहस्थ धर्म में होते हैं, उन्हें क्या लगता होगा, उनके कैसे जीते होंगे वो बेटी की विदा करते समय। फिर उसको ही सर्वस्व समझ, सेवा में तत्पर रहती है, उसको मालिक की तरह मान, खुद दासी बन कर रहती है। ये जनक जी सोच रहे हैं कि देखो तो लड़की ये बता देती है कि फिर मैं क्या हूं, और कन्यादान क्या होता है, और तप क्या होता है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, ये आर्य देश का गौरव है। जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है, जनक जी ने कितनी बढ़िया शिक्षा की बात कही, कही कि अगर ऐसा जवाब दुनिया को देना है तो ये आर देश में, सिर्फ भारतवर्ष में ऐसा मिल सकता है कि कन्या लड़की जिसके हाथ में बांध दी जाए, चली जाती है, उसी की दासी बन के रहती है, इसका जवाब अगर दुनिया से मांगा जाए तो नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आर्य देश ही दे सकता है, भारतवर्ष ही दे सकता है। जन तब यह कहने लगे, उठे अब शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भांवर का आनंद, जिनके मानवी चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं, शारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहां तलक लिख सकते हैं। आए बंदी बेस में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियां ही वहां समझ सकी यह भेद, सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, रामा इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हो बर बधु बड़े शौक सम्मान, चारों वेद मनुष्य का रूप धर के आए और उस मंडप के नीचे बैठ गए और उस जुगल जोड़ी को आशीर्वाद देने लगे कि गिरजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मी पति के बक्ष स्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, आशीर्वाद देते हैं
कि जब तक शंकर जी के सिर पर गंगा है और जब तक महाराज भृगु की लात विष्णु भगवान के सीने पर विराजमान है दिखाई देती है, तब तक यह बानक बना रहे, जब तलक चांद चांदनी रहे, यह बना रहे वह बनी रहे, जय बना बनी की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, रामा जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशल ना, संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर नह समचरितार्थ हो गए हम। जनक जी कहते हैं महाराज दशरथ से हाथ जोड़कर बोले कि आपसे रिश्ता तो हो गया, तो रिश्ता में तो हम सब प्रकार से बंध गए, और आप बड़े हो हम छोटे हैं, क्योंकि हम लड़की के बाप हैं आप लड़के के पिता हैं। एक काम करो कि हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा, बोले क्या कहा देखें आप जरा। हाथ जोड़ करके कहते हैं जनक जी दशरथ जी से के महाराज, हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। प्रभु महाराज दशरथ से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनय करते हैं जनक जी के महाराज, मेरी इच्छा है कि आपके जो तीन पुत्र और हैं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण, मैं चाहता हूं इनका भी विवाह यहीं मेरे घर में हो जाए। तो दशरथ जी पूछते हैं क्या लड़की हैं और आपके पास में, तो कहते हैं कि मेरे समीप के नाते की महलों में तीन कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी है। महाराज तीन हैं समीप के रिश्ते की हैं, अगर आप आदेश करें तो उन तीनों का विवाह भी इन बच्चों के साथ हो जाए। तो दशरथ जी ने पूछा भाई किसके साथ किसकी शादी करना चाहते हो, नाम तो बताओ उनका। तो बोले मांडवी भरत जी को समुचित, उसका नाम मांडवी है, मांडवी भरत जी को समुचित, श्रुत कीर्त शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लघु भगिनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। एक है श्रुत कीर्ति, वो शत्रुघ्न के लिए, मांडवी हो गई भरत के लिए, और उर्मिला सीता जी की छोटी बहन सगी है वो हो जाएगी लक्ष्मण के लिए, अगर आप कहें तो फिर ऐसा मैं प्रबंध करूं। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है, आज्ञा की केवल देरी है, समधि भी है पर कन्या है, मंडप भी है आचार्य भी है, इतने प्रेम भरे स्नेह के वचन जब
दशरथ जी ने सुने कि सब कुछ तैयार है। जनक जी कह रहे थे कि महाराज आप तो आदेश करें, मंडप भी है, आचार्य भी बैठे हैं, बर है, कन्या है, आप तो आदेश करें। मिथिला पति की विनय सुन बेहसे कौशल राय, गुरु आज्ञा से कहे उठे यह भी अब हो जाए। अच्छा ये भी हो जाने दो, ठीक है। यह कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है, किसका मर्तबा बढ़ाया है। हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है। शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। क्या तुम उनके बाप नहीं हो? अगर राम को, बड़े भैया को तुमने अपनी बिटिया ब्याही है, तो क्या ये तीनों बेटे तुम्हारे नहीं है? इन पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। यह प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है, जो गूंजी आज परस्पर है। मैं तो कहता हूं इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ के जब यह हार्दिक बेन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। महाराज दशरथ को रो आया। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, रामा जिस प्रकार संस्कार। उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों बर बधुओं को निहार कौशल पति अति होलसाए हैं। चारों क्रियाएं साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। अर्थ धर्म कर्म मोक्ष। लगता है दशरथ जी को कि चार बहुएं मिली, चारों कुंवर हमारे, हमें लगता है चारों पदार्थ हमें मिल गए हैं दुनिया के। वह दिया दहेज जनक ने जो, मंडप भर गया दहेजों से, मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अयाचक आचक गण दोनों पष्टों के नेगों से। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे सुरपुर से जय जयकार हुआ। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे सुरपुर से जय जयकार हुआ। स्वर गूंज उठा यह त्रिभुवन में संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों के समेत जनवा से कौशल नाथ चले, जनवा से कौशल नाथ चले। दरवाजे तक पहुंचाने को मिथिला पति उनके साथ चले। जब
जनवासी की तरफ जाने लगे मंडप के नीचे से, तो दरवाजे तक जनक राज जी उन्हें छोड़ने आए। तो बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार, वो चारों राजकुमार भी जाने लगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो जो वहां की बालिकाएं थी, बालाएं थी, कन्याएं थी, उनने घेर लिया। जो रिश्ते में सारी वारी सरहज अरहज लगती थी तो घेर लिया, कहा नहीं। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। बोली तुम कैसे चले जाओगे, पिताजी को जाने दो, जनवास से तुम नहीं जाओगे, अभी कुछ और नेक बाकी रह गए हैं वो पूरे करना है। प्रभु बोले भाई कौन सा नेक रह गया है, वो कहिए तो मैं वो भी पूरा कर दूं। कितने देवी देवता मना, वो सखियां बोली कि कितने देवी देवता मना, जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है, जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है। यह जो विवाह संबंध हुआ सो सब मान्यता हमारी है, वो सखियां कहने लगी सारी लगती होंगी रिश्ते में। बोली ए राम, सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं। जीजा जी बहुत ना फूलिए, सीता सी दुल्हन पाकर के घमंड कर गए क्या। ये फल है लगन हमारी कायतना रहस्य भूलिए नहीं, बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी, मन मंदिर में पधराएंगी। वैसा ही नाचोगे लाला हम जैसा तुम्हें नचाएंगे, प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब बारी तब जाती हैं, मन भी दे दिया सिया भी दी खुद भी बलिहारी जाती हैं। भगवान बोले भाई वो नेंग तो बताओ, आप तो मजाक करने में लगी हो, भाई मैं कहां घमंड कर रहा हूं, नेंग तो बताओ, नेंग कौन सा रह गया है। पूजवाए कुल देवता रीत नीत अनुसार, दूदा भाती फिर हुई प्रेम प्रीत अनुसार, प्रात काल की जब बजी शहनाई में राग। प्रात काल की जब बजी शहनाई में राग, जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। प्रेम से भरे हुए चारों कुंवर जनवा से में आए, जैसे ही प्रभात हुआ सुबह हुई। अब बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट रामा, सभी रोक कर बाट, भैया तो मुठिया गए दूदा भाती चार, वो चारों जो और लड़के बारात में गए थे भगवान राम के साथ ही, वो कहते हैं वो रामचंद्र जी आपने तो दूधा भाती चाट ली, इतनी भूख लगी थी कि अकेले चले गए, हमें साथ में लेके क्यों नहीं गए। तो भगवान बोले कि खाया जो हमने दूध भात वह केवल रीत निभाई है, अब जो ज्योनार वहीं होगी वह साथ साथ ठहराई है। बोले हमने दूधा भाती की है तो वो तो नेंग चुकाया था भैया, तुम्हारे साथ अभी जीवनार में सबको भोजन तो करना चल करके। इतने में ही आ गया
वह सुखमय संवाद। और कुंवर कलेवा को जनक बोला रहे सहलाद। कहा इतने में समाचार आया कि चलिए जनक जी ने कुंवर कलेव के लिए सबको बुलवाया है। अंतःपुर में हुई तब यह प्यारी ज्योनार, बाल सखाओं के सहित जीवे राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थी, इन सब पर बल बल जाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ खिलाती थी। कह उठी सखी कौशलपुर की हम अचरज एक सुनाते हैं। भगवान राम राघवेंद्र सरकार चारों भाई बैठे भोजन और कलेवा कर रहे थे। सखियों ने मजाक छेड़ दी। एक बोली कि तुमने सुना रही, तो दूसरी बोली क्या सुना रही हो। बोली तुमने अचरज की बात नहीं सुनी, एक अचंभे की बात नहीं सुनी, तो बोली क्या सुना रही हो। बोली ये, कह उठी सखी कौशलपुर की हम अचरज एक सुनाते हैं। हे बहना वहां खीर द्वारा बेटा पैदा हो जाते हैं। बोली सखी हमने सुना कि वहां इनकी यहाँ अयोध्या में खीर खा के लड़के पैदा कर दिए जाते, वहां पति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए कितना प्यारा मजाक है। शत्रुघ्न जी से ना रहा गया, तुरंत शत्रुघ्न जी बोल पड़े। मुस्कुरा कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ, अचरज है उससे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरनी में से निकला करता है घड़ा यहाँ। शत्रुघ्न जी बोले उसमें क्या अचरज की बात है, अगर हमारे यहाँ खीर खा के लड़के पैदा होते हैं तो आपके यहाँ कौन कम है। सुनते हैं कि हल हाँका जाए तो घड़ा में मैं लड़कियां मिल जाती हैं, ये कौन सा कम है। कुंवर कलेबा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बढ़हार का करने लगे नृपाल। कुंवर कलेबा के बाद बढ़हार होती है, तो बढ़हार होने की तैयारी थी। जनवासे में न्योतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिस होबे लगी बिनती विविध प्रकार। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़हार, बराहार उसको कहें अथवा कहें बढ़हार। या उसे कहीं बराहार भी कहते हैं, कहीं बढ़हार भी कहते हो, कहीं बढ़हार भी कहते हैं। पंगत के आगे ही पंगत मणिजटित स्वर्ण पात्रों की थी, मणिजटित स्वर्ण पात्रों की थी। षडरस 36 प्रकारों की जिसमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बढ़हार में हुआ क्या, बढ़हार बड़ा आहार समझ, वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, वस्तुएं गिनानी नहीं हमें। अनगिनती की गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें।
राधे श्याम जी कितनी बढ़िया बात लिखते हैं, बेचारे अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन लिख गए और लिखा है कि इतनी अनगिनती भोजन थे कि हम अपनी लेखनी को लज्जित नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, गिनती नहीं कर सकते उन अनगिनती चीजों की। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार, तो नारी दल गा रहा था गीत मंगलाचार। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो नारी गान ही है ब्याहों की रीत। आजकल तो खैर ऐसे गीत नहीं गाए जाते हैं जैसे उस समय गाए गए थे, आजकल तो क्या क्या नहीं गाती हैं अपने नारियां, यहां तो भगवान ही जानता है, वही मालिक हैं पारब्रह्म परमेश्वर। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह, तो पूर्ण हुआ बढ़हार का जभी राजसी भोग, रामा जभी राजसी भोग। चले मान और पान ले जनवा से सब लोग, अगले दिन होने लगा कंकण रीत विधान, गाने लगी विनोदिनी तब विनोद का गान। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित नए रस रंग थे नित नई जूनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, दशरथ जी जब भी कहते कि अब जनक जी आदेश मिले, आज्ञा मिले, तो अब हम जाएं बारात की विदा करें, बहुओं की विदा कर दें, तो हम अब अयोध्या को जाएं। तो चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर माथ। बराबर सिर झुका करके, अभी और रुकिएगा, अभी और रुकिएगा। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभ बार, रामा एक सुदिन शुभ बार। पलका टीका आदि सब हुए यथा व्योहार, उधर विदा को महल में पहुंचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल इस ओर। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बेन, बिछुड़न बाले नीर से भरे भरे थे नैन। सीता जी कहती हैं माँ से कि माँ, माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बेन, विदा हे तो आए तभी राघव करुणा एन। भगवान राम उस समय पहुंच गए विदा के समय, सीता जी और उनकी माँ सुनैना दोनों बातें कर रही थीं, और राघवेंद्र सरकार बीच में पहुंचे, कहते कि देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। सुनैना जी बोली कि बेटा तुमसे एक बात कहनी है मुझे। देखिए आप माँ की ममता कितनी बड़ी होती है, वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये त्रिभुवननाथ पारब्रह्म परमेश्वर हैं, इनसे कौन सी बात कहनी है, लेकिन नहीं, ममता बोल उठी भीतर से, बोली हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रवि कुल में रवि समान बेटा, रवि कुल में रवि समान बेटा। चिरजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा,
दिवस अग्नि को साक्षी कर, कहती है बेटा उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पंचों में कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी सुता तुम्हें, पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव में इसे गिराती हूँ, राघव में इसे गिराती हूँ। यह हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ या फिर पकड़ाती हूँ, बोली बेटा एक काम करना इसकी सदा निभाना, हो क्या करना टहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम ही हो तुम अपराध क्षमा करते रहना। यह कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, इतने ही में वहां पर आए नृपत विदेह, बोले हे रघुवंश मणि हे रघुवंश किशोर, बाहर आही तो गया आज हृदय का चोर। बोले प्रभु विदेह राजा गए। जनक जी बोले कि राम एक बात मुझे कहनी थी, मेरी भी ध्यान से सुन लो, मैं बेटा तो नहीं कह सकता तुमसे लेकिन एक बात कह रहा हूं। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुख धाम तुम्हारी जय हो बे, सुख धाम तुम्हारी जय हो बे। शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय हो बे। जब ये बात सुनी कि सच्चिदानंद कह रहे हैं विदेहराज, तो पहले नैन तो झुके ही थे, सर भी झुक गया प्रभु राम का। मुस्काए यह बात सुन मन ही मन रघुनाथ, नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बधुओं सहित चारों राजकुमार, दायज था इस समय भी उनका विविध प्रकार। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे, दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे, पहुंचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं, अवधेश लौटने को कहते बे प्रेम पगे लौटते नहीं। लेकिन जबरदस्ती उन्हें महाराज दशरथ ने विदा किया कि आप मिथिला को जाओ हम अयोध्या को चलें। तो अवध पहुंच अवधेश ने की सब रीत सपीत, रामा की सब रीत सपीत। कंकड़ छड़ियां आदि जो थी वैवाहिक रीत,